हम ये देख रहे थे कि कैसे कि डॉलर की आपूर्ति कम और जब ज्यादा होती है तो अब उसमें आरबीआई की क्या भूमिका, उसी आरबीआई की भूमिका में हमको ये समझना है कि दो कंडीशन लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि क्या है डॉलर की क्या है आपूर्ति बहुत ज्यादा कम हो गई, और जब आपूर्ति बहुत ज्यादा कम हो गई है तो आरबीआई अब क्या क्या करेगी। आरबीआई के पास अब विकल्प क्या है, सबसे पहला विकल्प है वो क्या करेगी, अपने विदेशी मुद्रा भंडार से क्या करेगी डॉलर को बेचे, अर्थात वह मार्केट में क्या है डॉलर की अब उसको आपूर्ति बढ़ाना, डॉलर की आपूर्ति बढ़ाना है बाहर से डॉलर, विदेश से डॉलर, अंतरराष्ट्रीय मार्केट से डॉलर कब आएगा हमको पता नहीं, पता इन द सेंस कि डॉलर की आपूर्ति कम और ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है, जो उसको खरीदने और बेचने वाले हैं उनके हाथ में। तो अब आरबीआई के पास क्या विकल्प है कि वह विदेशी मुद्रा भंडार से कुछ डॉलर क्या करे, वह मार्केट में सर्कुलेट करने के लिए बेच दे। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत है कि आरबीआई भी ये ऐसा नहीं कर सकती कि जितने की पूरी कमी है सब कमी को भर दे, अगर यह कमी वह जो दूर कर सकती है वह यही कर सकती है कि विदेशी मुद्रा भंडार का मैक्सिमम 6% क्या कर सकती है वह बेच सकती, इससे ज्यादा कि वह बिक्री खुले मार्केट में क्या कर सकती है डॉलर की नहीं करेगी भले ही कितने भी सौंपे। मान लीजिए अगर इससे भी कंडीशन नहीं होती तो क्या कर सकती है वह, जो एनआरआई जमा होते हैं, एनआरआई से तात्पर्य है कि जो भारतीय लोग भारत से बाहर चले गए हैं, जो नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं, वो क्या करते हैं कुछ पैसा आपके पास भेजते हैं, पैसा वो भेजते हैं उस पर उनको क्या ब्याज मिलती है, अगर इस जमा पर क्या करें किया जाए कि ब्याज की दर बढ़ा दिया जाए तो वो लोग क्या करेंगे ज्यादा पैसा भेजेंगे, और पैसा जब ज्यादा भेजेंगे तो क्या होगा वह जो अंतरराष्ट्रीय पैसा आएगा किसमें आएगा डॉलर के रूप में आएगा, और वह जो डॉलर के रूप में आएगा तो जो डॉलर की शॉर्टेज थी वह उसमें क्या है कमी है। इसके अलावा एक विकल्प यह भी है वह क्या करे कि जो भी विदेशी निवेश के जो नियम है, विदेशी निवेश के जो नियम है उनको क्या करे वह सरल बनाते, और जब विदेशी नियम को निवेश के नियम को सरल बनाएगा तो क्या होगा कि विदेशों से जो मुद्रा आनी है वो आसानी से आने लगेगी, और जो डॉलर की कमी हुई थी उसमें क्या हो सकती उसमें वृद्धि हो सकती। एक विकल्प आरबीआई के पास यह भी है वह क्या करे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है अर्थात ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं बाहर से विदेशों से ऋण के रूप में शेयर के रूप में क्या प्राप्त करती हैं विदेशी मुद्रा प्राप्त करती हैं उनके ऋण की लिमिट को क्या करते बढ़ा दे, अर्थात कॉर्पोरेट जो क्षेत्र है उसके ऋण सीमा क्या करें बढ़ा दे, और ऋण सीमा बढ़ा दे तो स्वाभाविक वो क्या करेंगे अधिक ऋण ले पाएंगे, जो ऋण लेंगे वो किसमें होगा डॉलर में होगा, स्वाभाविक इससे क्या होगा अब जो है कि मार्केट में डॉलर की आपूर्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ आरबीआई यह भी कह सकता है कि जो गैर उत्पादक आयात है इसको सरकार के माध्यम से क्या कर दे कम करवा दे, दरअसल जब भी आप आयात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आपको भुगतान करना पड़ रहा है, और भुगतान किसमें करना पड़ रहा है विदेशी मुद्रा में करना पड़ रहा है। तो अब आपके पास क्या है कि ऐसे समय में जब डॉलर की क्या है आपके पास शॉर्टेज है तो आयात को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस होगा यह आरबीआई के द्वारा उस समय निर्धारित किया जाएगा जब लगेगा कि डॉलर की आपूर्ति बहुत ज्यादा कम, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा भी मूल्यों में अंतर आया तो आरबीआई क्या करे तुरंत जो है कि यह सब प्रोसेस अपना, यह जो प्रोसेस वह अपनाएगा वह एकदम अंत में अपनाएगा, कोशिश करेगा कि उसको मार्केट में क्या करना पड़े हस्तक्षेप ना करना पड़े, और जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा तभी क्या करेगा इन उपाय, अर्थात इस पूरे प्रोसेस पे जो आपने देखा कुछ इसके अलावा भी वह आरबीआई का प्रयास यही होगा
कि उन सभी कार्यों को क्या करना करना जिनसे क्या हो मार्केट में डॉलर की आपूर्ति बढ़ जाए, और उन सभी कार्यों को रोकना जिससे डॉलर क्या कर रहा है मार्केट से बाहर जा रहा। अब मान लीजिए कि अब जो है कि कंडीशन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई। अब क्या है, डॉलर मार्केट में ज्यादा हो गया। मार्केट में डॉलर ज्यादा हो गया से तात्पर्य रुपया क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और आपको ऐसा करना नहीं है, आपको एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है जिसमें निर्यातक जो समूह है उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है, उसके पास इंस्पिरेशन है, उसको पता रहे कि वो ज्यादा निर्यात करेगा तो उसको ज्यादा लाभ होगा। तो अब क्या करना है आपको, यह डॉलर की जो आपूर्ति ज्यादा हो गई है इसको लेकर, तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है कि बाजार से डॉलर को क्या करेगा, खरीदेगा। जब वो डॉलर को खरीदेगा तो उसके लिए क्या, डॉलर जब खरीद रहा है तो उसको क्या करना है, रुपए में पेमेंट करेगा। जब वो रुपए में पेमेंट करेगा तो क्या होगा, बाजार में रुपए की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और रुपए की अगर मात्रा बढ़ गई तो यही तो वो कंडीशन थी जो क्या थी, डिमांड पुश इन्फ्लेशन की। अर्थात अब क्या कंडीशन होगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो अब आरबीआई के पास दोहरी जिम्मेदारी हो, दोहरी जिम्मेदारी यह है कि उसको एक तो क्या करना है कि जो डॉलर की आपूर्ति ज्यादा हो गई है इसको कम करना है, और साथ ही साथ उसको ध्यान देना है कि रुपए की जो मात्रा में वृद्धि हुई है इससे क्या हो, इन्फ्लेशन ना बढ़े। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होगा, नियमों के विपरीत होगा, अर्थात उसकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या मानी जाएगी, फेल मानी जाएगी। और ये जो एक्सचेंज रेट का निर्धारण है ये भी मॉनेटरी पॉलिसी, अर्थात कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन ना बढ़े, आरबीआई क्या करती है, सरकारी प्रतिभूति क्या करेगी, बेचेगी। अर्थात इससे जो रुपए की मात्रा वृद्धि हो रही थी, यह वृद्धि ना हो पाए तो वह क्या करेगी, उस वृद्धि हुई मात्रा को सोखने का प्रयास करेगी, अर्थात वह अपने पास पैसे मंगाएगी और उसके लिए क्या करेगा, वो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचेगी। हम प्रतिभूति को समझ चुके हैं, स्वाभाविक है जब प्रतिभूति लोग खरीदेंगे आरबीआई से तो क्या है, जो लोगों के पास पैसा पहुंच गया था डॉलर के बदले वो क्या फिर से आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा कि जो एक्सचेंज रेट को लेकर डिफरेंस आया था वो डिफरेंस नहीं। अब आपने एक चीज समझ लिया है कि कैसे आरबीआई इसको कर, इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लीजिए। अर्थात इस पूरे प्रोसेस में आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई का प्रयास सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के सापेक्ष भारत की मुद्रा है उसके मूल्यों में ना तो ज्यादा कमी आए और ना ही ज्यादा वृद्धि आए, दोनों कंडीशन क्या है, एक ऐसी कंडीशन को क्रिएट करती है जिससे उत्पादन के स्तर पर क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, आपके राजकोषीय आय और बचत पर क्या पड़ सकता है, प्रभाव। जैसे अगर ज्यादा आयात होगा और निर्यात कम होगा तो इससे क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार की क्या होगी, कमी। दूसरी तरफ अगर क्या हो, केवल निर्यात होता रहे तो भी वो कंडीशन ठीक नहीं। कारण यह है कि आपको क्या करना होगा, अपने मुद्रा को फिर क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। अर्थात अब देखिए जो विदेशी मुद्रा है इसकी कीमत में सयास अर्थात जानबूझकर क्या करना, कमी करना, यही कहलाता है अवमूल्य। अवमूल्यन से तात्पर्य है आपकी जो मुद्रा है किसी भी देश की हो सकती है उसके मूल्य में कमी करना, और जो मूल्य में कमी करना है दरअसल इसके पीछे निहित उद्देश्य क्या होता है, आपको निर्यात को बढ़ाना। निर्यात कैसे बढ़ेगा हम समझ चुके,
निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप, अवमूल्यन करते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वर्तमान समय में क्या है, चीन। लेकिन जब आप बार बार अवमूल्यन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, एक ऐसी सस्पेंस की कंडीशन क्रिएट होगी कि लोगों का क्या होगा, विश्वास कम होगा। चीन को लेकर चीन क्या करता है, अपने यहां से निर्यात को बढ़ाने का प्रयास करता है, और जब मन में आया तब क्या कर लेता है, अमूल्य, अर्थात यहां मुद्रा के जो मूल्य में कमी हुई है वह बाजार के रूप में ना होकर सरकार के द्वारा की गई उसी क्या बोला जा अमूल्य। तो जो वह निर्यात में बढ़ाने के लिए क्या करता है, अमूल्यन करता है, और इस निर्यात को बढ़ाने के लिए दरअसल चाहता क्या है कि निवेश ज्यादा हो। जिस देश से क्या होगा, निर्यात ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, निवेश ज्यादा होगा, और यही दोनों हिडन फॉर्म चीन के होते हैं। वह दोनों क्या करना चाहता है, निवेश को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहता है, निर्यात को बढ़ाना चाहता है, और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या करता है, बार बार वह मुद्रा का अवमूल्यन करता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के साथ व्यापार को लेकर कभी भी ऐसी संतोष की कंडीशन नहीं होती, एक विश्वास बहाली की कंडीशन नहीं होती, हमेशा डर बना रहता है कि कब वो मुद्रा का अवमूल्यन। दरअसल एक देश जैसे चीन जैसा देश जो निर्यात सबसे ज्यादा करने वाले देशों में है, अगर ये बार बार क्या करे और मूल्यन करे तो इसका तो निर्यात बढ़ जाएगा, लेकिन आपने इंडिया में देखा होगा इससे क्या होता है, उनका जो निर्यात बढ़ रहा है उससे होता यह है कि हमारे यहाँ पर जो घरेलू सामान है वो अभी कहां से आता है, चीन से आता है। अगर चीन से हर सामान आने लगे तो स्वाभाविक है यहां पर जो उत्पादन की कंडीशन वो क्या होगी, प्रभावित होगी। इसलिए विश्व में हमेशा यह प्रयास किया जाता है हर देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले, तो अवमूल्यन को एक वाजिब ऐसा कंडीशन नहीं बताया जाता कि बार बार क्या किया जा सके अवमूल्यन के, लेकिन फिर भी चीन के द्वारा किया जाए। ऐसा नहीं सिर्फ चीन के द्वारा किया गया, इंडिया के द्वारा नहीं किया गया, इंडिया के द्वारा भी 1949, 66 और 91 में क्या किया गया है, अभी तक तीन बार विदेशी मुद्रा पर मुद्रा का रुपए का क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष। लेकिन वो कंडीशन क्या थी, हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम देख रहे होंगे कि कैसे कैसे हम ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचे हैं 1947 तक। उस समय देखेंगे कि 1949, 66 और 91 में जो भारत ने अवमूल्यन किया उसके पीछे के कारण दरअसल क्या थे। लेकिन आपको यहां पर किसको ध्यान देना है, चीन को, और चीन को इसलिए ध्यान देना है कि चीन अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान समय में क्या है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ने जा रहा है। वर्तमान समय में अगर वह यूएसए को छोड़ दे तो सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और पीपी के आधार पर आप देख ले अर्थात परचेजिंग पावर पेरिटी के आधार पर देखें तो चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। तो अगर उसके द्वारा बार बार अपनी मुद्रा का क्या किया जा रहा है, अवमूल्यन किया जा रहा है, तो इसके अंतरराष्ट्रीय इंपैक्ट को क्या करना है आपको समझना। अब हम इसके अंतरराष्ट्रीय इंपैक्ट को इस रूप में समझेंगे कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलती हैं और इन अर्थव्यवस्थाओं में कैसे अवमूल्यन से परिवर्तन होता है। अगर भारत की ही परिप्रेक्ष्य में देखें तो कैसे वहां पर अगर अवमूल्यन किया गया, उसका निर्यात बढ़ा, तो वहां से सामान क्या आपके बाजार में ज्यादा आता है, और ज्यादा आने को ही क्या बोला जाता है, डंपिंग। और यही डंपिंग का परिणाम है कि आपके यहाँ हर घरेलू सामान क्या होता है, वो चीन से आया हुआ होता है। तो आपके यहाँ फिर वह स्वदेशी का नारा होगा और फिर आपसे कहा जाएगा कि चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करिए, लेकिन जब कम कीमत पे वो मिल रहे हैं तो उनका बहिष्कार किस हद तक किया जाए, यह भी एक प्रश्न है। लेकिन हमको क्या करना है कि चीन के साथ पूरे विश्व का और भारत के संबंध को समझना है कि उसके अवमूल्यन से क्या क्या कंडीशन। दूसरा, इंडिया ने जो तीन बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है इसको भी हमको अब क्या करना है, समझना है, और यह समझना है कि वर्तमान समय में भारत जो है केवल बाजार को स्वतंत्र छोड़े हुए है, अर्थात वह तब तक रुपए को लेकर डॉलर को लेकर हस्तक्षेप नहीं करता जब तक उसको यह नहीं लगता कि कंडीशन ज्यादा रिवर्स हो गई। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं में दोनों मैनेजमेंट के
स्वरूप में क्या क्या अंतर है, इनकी पॉलिसी क्या है, अब हमको इसी को समझना।